नमस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी, सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आजादी का अमृत काल अभी शुरू ही हुआ है। आपके सामने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी जी जान से जुट जाना है। मैं आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है। इन संस्थाओं का जोर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल डेढ़ साल का समय यूं ही लग जाता था। और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो दो दो पांच पांच साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकल करके अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। साथियों, आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में
साथ चलने के लिए तत्पर है। भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। आप जानते हैं, एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन टूटना, कितनी कितनी कठिनाइयां दुनिया में दिखाई दे रही है। इन सब के बावजूद, और युवाओं, मेरे युवा साथियों, इस बात को आप गौर कीजिए, इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, उद्योग का विस्तार होता है, नए नए उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, और स्वाभाविक है बिना नए नौजवानों के काम हो ही नहीं सकता, और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारी सरकार के निर्णयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अवसर पैदा किए हैं, अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विस्तार से वो एक एक वाक्य में ब्यौरा दे रहे थे, लेकिन मैं जरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 6.5% से ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत से पैसेंजर व्हीकल दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट उनका बढ़ रहा है। कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट, इतना ही नहीं, हमारे थ्री व्हीलर, टू व्हीलर्स, उसके एक्सपोर्ट में भी बहुत वृद्धि हो रही है। 10 साल पहले ये इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज ये इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ से जंप लगा करके 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भी भारत में लगातार विस्तार हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भारत सरकार की पीएलआई स्कीम से भी बहुत मदद मिल रही है। तेजी से आगे बढ़ते हुए ऐसे ही टेकर्स, ऐसे ही सेक्टर्स लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बना रहे हैं। साथियों, आज भारत 1 दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी, जनता जनार्दन के धन का दुरुपयोग, पुरानी जितनी सरकारें आप देखेंगे उनकी पहचान यही बन गई थी। आज भारत को
उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये दुनिया में बहुत मायना रखती है। आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। एक डिसिसिव गवर्नमेंट, आज भारत सरकार की पहचान उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है। ग्लोबल एजेंसियां लगातार इस बात को घोषित कर रही हैं, अनुमान लगा रही हैं और विश्वास से कह रही हैं कि चाहे हाईवे का निर्माण हो या रेलवे का, ईज ऑफ लिविंग की बात हो या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा, भारत पिछली सरकारों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बीते वर्षों में भारत ने अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया है। लाखों करोड़ रुपए के इस निवेश ने भी रोजगार के करोड़ों अवसर बनाए हैं। अब जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और वो है पानी। और उसके लिए हमने चलाया है जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन, उसके पीछे अब तक करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जब ये मिशन शुरू हुआ था तो ग्रामीण इलाकों में हर 100 में से, यानी 100 घर अगर गांव में हैं तो सिर्फ 15 घर ही थे जहां पाइप से पानी आता था। ये मैं एवरेज बता रहा हूं। 100 घर में से 15 घर में पाइप से पानी आता था। आज जल जीवन मिशन की वजह से हर 100 में से 62 घरों में पाइप से पानी आने लगा है और अभी भी तेज गति से काम चल रहा है। आज देश के 130 जिले ऐसे हैं, ये छोटा क्षेत्र नहीं है, 130 जिले ऐसे हैं जहां के हर गांव में, हर घर में नल से जल आता है। और साथियों, जिन घरों में अब साफ पानी पहुंच रहा है वहां लोगों का समय भी बचा है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो लाभ हो रहा है वो गंभीर बीमारियों से भी बचे हैं। पीने का शुद्ध पानी आरोग्य के लिए बहुत बड़ी औषधि बन जाता है। एक स्टडी में सामने आया है कि जब हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगा तो डायरिया से होने वाली 4 लाख मौतें मौत होने से बच गई, 4 लाख जिंदगियां बच गई। यानी जल जीवन मिशन 4 लाख लोगों का जीवन बचाएगा। ये स्टडी ये भी कहती है कि हर घर जल पहुंचने से देश के गरीबों के 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बचने वाले हैं। यानी गरीब के घर में पैसा बचने वाला है, मध्यम वर्ग के परिवार का पैसा बचने वाला है। ये पैसे वो पानी का इंतजाम करने में, पानी से होने वाली बीमारियों के इलाज में खर्च करना पड़ता था उनको।
जल जीवन का एक और बड़ा लाभ ये भी होगा कि इससे महिलाओं का बहुत सारा समय भी बचेगा। इस रोजगार मेले में नौकरी पाने वाले आप सभी समझ सकते हैं कि सरकार की एक एक योजना का कितना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जल जीवन मिशन का उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है। ऐसे ही आप जब अब सरकारी व्यवस्था में आए हैं तो सरकार की हर योजना को, अपने विभाग के हर लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, ये मेरा आपसे भरोसा भी है, अपेक्षा भी है। साथियों, देश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन, गुड गवर्नेंस दोनों का ही प्रमाण है। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता भी आई है और भाई भतीजावाद भी खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त होने का लाभ लाखों युवाओं को हुआ है। एक तरफ हमारी सरकार के ये ईमानदार प्रयास है तो दूसरी तरफ, और ये बात मैं चाहता हूं मेरे नौजवान पूरा समझने का प्रयास करें, हकीकतों के आधार पर कुछ बातें आ रही है, दूसरी तरफ भाई भतीजावाद है। अभी आपने एक दो दिन पहले मीडिया में आई रिपोर्ट देखी होगी, अखबारों में, टीवी पे काफी कुछ देखने को मिला। एक राज्य की उसमें चर्चा है, और चर्चा क्या है, एक राज्य में कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेके आई है। उस राज्य का क्या पद्धति है, क्या बात उभर करके आई है। नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेड कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेड कार्ड है, रेड कार्ड बताया गया। और रेड कार्ड भी कैसा है, छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है। अगर आप सफाई कर्मी की नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये रेट रहेगा, भ्रष्टाचार में इतना देना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो ड्राइवर की नौकरी के लिए ये रेट रहेगा। अगर आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए, टीचर की नौकरी चाहिए, नर्स की नौकरी चाहिए तो आपको ये रेट रहेगा।
आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेड कार्ड चला करता है और कटमनी का कारोबार चलता है। देश का नौजवान कहां जाएगा? ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेड कार्ड बनाते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी, जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। रेड कार्ड आपकी काबिलियत को, आपके सामर्थ्य को, आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। हम आपके सेफ गार्ड में लगे हैं, जो आपके सपनों के लिए जीते हैं, आपके संकल्पों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी हर इच्छा आकांक्षा, आपके परिवार की हर इच्छा आकांक्षा, उसको सेफ गार्ड करने में हम लगे हैं। अब देश तय करेगा, देश के नौजवानों का भविष्य रेड कार्ड के भरोसे चलेगा कि सेफ गार्ड व्यवस्था के अंदर सुरक्षित तरीके से पनपेगा। साथियों, ये भाई भतीजावाद वाली पार्टियां देश के सामान्य मानवी से आगे बढ़ने के अवसर छीन लेती है, जबकि हम देश के सामान्य मानवी के लिए नित नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने लोगों को भाषा के नाम पर एक दूसरे से भिड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। लेकिन हम भाषा को लोगों को रोजगार देने, उन्हें सशक्त करने का माध्यम बना रहे हैं। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी को अपना सपना पूरा करना हो तो कोई भी भाषा उसके सामने दीवार न बने। भारत सरकार आज जिस तरह मातृभाषा में भर्ती परीक्षा पर जोर दे रही है, एंट्रेंस एग्जाम पर जोर दे रही है, उसका भी सर्वाधिक लाभ मेरे देश के बेटे बेटियों को मिल रहा है, हमारे नौजवानों को हो रहा है। रीजनल लैंग्वेज में परीक्षा होने से युवाओं को आसानी से अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिला है। साथियों, आज तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में सरकारी व्यवस्थाओं और सरकारी कर्मचारियों के काम करने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। एक समय था जब देश के सामान्य नागरिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे। आज सरकार अपनी सेवाएं लेकर देश के नागरिकों के घर तक पहुंच रही है। अब जनता की अपेक्षाओं को समझते हुए
क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विभिन्न सरकारी दफ्तर और विभाग जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए काम करने पर जोर, ये हमारी प्राथमिकता है। इतने सारे मोबाइल ऐप्स के माध्यम से, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सरकार से मिलने वाली सुविधाएं अब बहुत आसान हो गई है। पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। इन बदलावों के बीच आपको भी देश के नागरिकों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से काम करना है। आपको इन सुधारों को और आगे बढ़ाना है और इन सब के साथ ही आप लगातार कुछ न कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति को हमेशा बनाए रखिएगा। सरकार में प्रवेश ये जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं हो सकता है, आपको इससे भी आगे बढ़ना है और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। आपके जीवन के नए सपने, नए संकल्प, नया सामर्थ्य उभर करके आना चाहिए और इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल, ये ऑनलाइन पोर्टल जो है आई गॉड के माध्यम से नई सुविधा बनाई है। हाल ही में इसके यूजर्स की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कोर्सेज का आप पूरा फायदा उठाएं, आपको नौकरी में बहुत काम आएगा, आपको प्रगति करने के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मैं दोस्तों आपको यहां से आगे देखना चाहता हूं, आप भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। ये 25 साल मेरे लिए आपकी प्रगति का भी है और हम सबके लिए देश की प्रगति का भी है। आइए अमृत काल के अगले 25 वर्षों की यात्रा में हम कंधे से कंधा मिलाकर मिलकर के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेज गति से चल पड़े, आगे बढ़े। मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।